जब भी आप टूर पे निकले तो एक दो वेदर फोरकास्ट चेक कर लेना कि जिधर आप जा रहे हैं वहाँ का वेदर क्या चल रहा है। तो मैंने तो देख लिया था कि मुजफ्फराबाद में बारिश है। भाई अकेले जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है जगह, कह रहा हूँ ना मैं, मान लो अकेले जाने वाली जगह है ही नहीं, एक दोस्त आपके साथ आदमी होना चाहिए। हेलो जी, तो हम इस वक्त रास्ते पे हैं पिंडी के, घर में पिंडी के होटल, तो हम रास्ते में रावल पिंडी के क्योंकि एक बंदे को पिक करना है। हेलो जी, मीट नन अदर देन हमजा सस्ती। मैंने हमजा को बहुत इंतजार करवाया 15 मिनट का, पिछले व्लॉग में हम मजाक उड़ा रहे थे बाबर का कि बाबर ने 2 मिनट 3 मिनट हम उम्र ने आधा घंटा इंतजार करवाया, लेकिन यहाँ मैंने हमजा को इंतजार करवाया। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है इंतजार करवाना, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है करना। नाश्ता करो बाहर दोस्त के साथ, घर वालों को तंग ना ही करो तो बेहतर है। भाई जब सुबह उठे थे ना तो हमने अम्मी को बोला था कि सिर्फ कपड़े इस्त्री कर दें, खाने का नहीं बोला था। तो अभी हम होटल पे बैठे हैं, ऑमलेट और पराठा हमजा की फरमाइश पर। फूड ही बंदा है ये और मूडी भी है, गुस्सा भी है। नाश्ता करके निकलो और जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो 200 रुपये का चलान कटवाने के बाद हम वापस अपने सफर को निकल गए, जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। मरी पहुंच गए एंड पे। दो रास्ते हैं कश्मीर को एंटर करने के लिए, वन फ्रॉम पंजाब मरी एंड अदर फ्रॉम केपी के एबटाबाद तहसील। पुलिस नहीं छोड़ रही, फुल सख्ती, ईदी इकट्ठी हो रही है हर जगह से। तो हमने सोचा कि हम केपी के वाली साइड से जाएँ क्योंकि मरी वाली साइड हमने देखी हुई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन कोई आधे घंटे से हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अजीबो गरीब रोड से। जब मैं लास्ट टाइम मुजफ्फराबाद गया था तो ये रोड बहुत अच्छा था, मतलब कि कहीं कहीं पे फेक खड्डे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। अफसोस भी हो रहे हैं कि हम वहाँ से आ जाते हैं मरी वाली साइड, लेकिन मरी वाली साइड से अगर हम आते तो वो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए हमने कहा यहाँ से चलो चलो। अब हम इधर से जा रहे हैं और वेट करें सफर। रास्ते में कुछ खा लेना, हमजा को बहुत भूख लगती है तो उसके साथ मुझे भी खाना पड़ जाता है। सफर हमें सीधा कोहाला पुल पे ले गया। कोहाला ब्रिज इज द बॉर्डर ऑफ केपी के एंड कश्मीर। राइट साइड पे हमारा कश्मीर है और लेफ्ट साइड पे केपी। और क्या खूबसूरत मनाजिर। जैसे ही आप कोहाला ब्रिज से क्रॉस करते हैं तो आगे आपको मिलाता है नाका, जो कश्मीर एंट्रेंस के लिए है। तो वहां पे अगर आपको रोकें तो रुक जाएं, नहीं रोकते तो About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. ऑफ रोडिंग के बाद हम पहचाने नहीं जा रहे थे एक दूसरे से, मिट्टी मिट्टी हो गए। तो हमने सोचा कि रास्ते में कहीं रुक के मुंह हाथ धो लेते हैं ताकि फ्रेश भी हो जाए और पहचाने भी जाए। रास्ते में आपको बहुत सारी आबशारें मिलेंगी।
11 किलोमीटर रह गए मुजफ्फराबाद मेन सिटी में एंटर होने के लिए, और अब हम जा रहे हैं बस रास्ते में थोड़ा सा आबशार मिली थी तो हम मिट्टी वाले रास्ते से आगे थे ऑफ रोडिंग करते हुए। जूते कपड़े सारे ख़राब हो गए मिट्टी से, लेकिन अब बेहतर है पहले से। मेरे सामने कुनहार रिवर चल रहा है और क्या ठाटे मारता हुआ चल रहा है, ड्राइवर के साथ चल रहा है, बहुत फ्लो बहुत तेज़ है भाई, मानना पड़ेगा। जूतों की हालत अभी आए साइड टूर पे, तो वेदर देख लीजिए एक और साफ कपड़े रख लीजिए। हाँ जी रोड्स आर देयर इन गुड कंडीशन, तो प्लीज ओवर ना होना, पिंडी बॉय ना बन जाना, बर्गर ही लेना ओके, तो लिमिट में रहना। टिप नंबर 3 भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आज पुलिस आपको हेलमेट पे नहीं रोकेगी, अब जब चलान नहीं होगा आपको, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद की पुलिस भी कोई रिलैक्स नहीं करती आपको। तो यार ये दो दरिया मिल रहे हैं, उस तरफ से साफ पानी आ रहा है, इस तरफ से गंदा पानी जा रहा है, और दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। तो आफ्टर अ लॉन्ग राइड वी आर एट मुजफ्फराबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। क्या खूबसूरत जगह यार, हेलो जी। तो हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए थे तकरीबन 10 मिनट पहले, तो अभी हम मुजफ्फराबाद टॉप व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, जहां से तकरीबन सारा मुजफ्फराबाद नज़र आ जाता है। तो क्या कमाल की जगह है, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो सब धूप थी, लेकिन आज बारिश का मौसम हुआ है, तो धूप में भी मज़ा है और बारिश के मौसम में भी मज़ा है। जैसे मुजफ्फराबाद सिटी में एंटर होंगे 2-3 किलोमीटर के बाद आपको एक मानसेरा की तरफ जाते हुए रोड नज़र आएगी, उसको पकड़ लो, नहीं आई मीन उस पर बाइक डालो और चला दो, उसके बाद वेट 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 एंड सडनली पूरा मुजफ्फराबाद आपकी नज़रों के सामने होगा, और वो स्पीचलेस मूवमेंट आप खुद ही जाके देख लो, या मैं दिखा देता हूँ अगर पसंद आता तो देखो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सी जगह थी यार, ये इस पहाड़ के ऊपर रास्ता जा रहे, पता नहीं अंदर क्या है, तो टेंशन ना लो मैं बताता हूँ। दिस इज़ द हाइड्रो पावर प्लांट या इन शॉर्ट डैम, जो हमारे कुनहार रिवर पे बना गया है, और यार ये क्या खूबसूरत जगह है, ये खुद देख लो, मैं क्या बताऊँ खुद देख लो। यार यहाँ पे इतना सुकून है, अगर गाड़ी ना गुजरे ना तो ऐसा लगता है आप किसी खामोशी के पर पहाड़ गरज रहे हैं, जिससे बारिश हो रही है, डैम आउट क्लास। तो बस अब ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज के टूर का, उसके बाद वापस मुजफ्फराबाद खाना खाने जाएंगे। हाँ जी बारिश शुरू हो रही होती है तो मेरे पीछे पुल है, ये अर्थक्विक मेमोरियल ब्रिज है। अर्थक्विक जब आया था 2005 में, तब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि हम इसको ईस्ट और वेस्ट मुजफ्फराबाद को जोड़ सके आपस में, और ये पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, 88 मीटर की हाइट है अगर मैं, लेकिन ये एक कमाल की कंस्ट्रक्शन है और जबरदस्त। अभी से बादल है, बारिश होने वाली है और घर से बहुत आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैसेज मैंने किया था ना यार, इधर सिग्नल नहीं आ रहे थे, और सब ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नाउ वी आर लीविंग मुजफ्फराबाद,
ये मुजफ्फराबाद एंट्रेंस की थी, आउटलेट की थी बस मुजफ्फराबाद। खाना यहाँ पे नहीं मिला हमें, रुपये जा रहे हैं। अब आगे कहीं जाके देखेंगे कोई अच्छा सा होटल। क्यों हमजा? हाँ जी बस अब आगे अच्छा सा होटल ढूंढना है, क्योंकि हमजा जो हमारा बंदा है ना, ये एक वाहिद बंदा है जो फूडी बंदा है। बाकी हम कहते हैं यार भूखे पेट भी गुजारा कर लेंगे, पैसे बचा लो, लेकिन हमजा जो है कहते नहीं, हम भाई खर्च आए हैं, खर्चा पूरा करेंगे। खर्चा तो भाई घर वापस पैसे लेके जाने ही नहीं, ईदी शीदी जो मिली है ना वो सारी लगा के जाएंगे। और यार मैं आपको क्या बताऊँ कि जो वेदर है ना मुजफ्फराबाद का, ये हमजा बताएगा, हमजा बताएगा। फाड़ू है भाई, फाड़ू है, फाड़ू इस शहर में शायर, फाड़ू से मुराद शायर का है कि इस शहर में शायर के, इस शहर में शायर कहता है कि इस बंदे को मैंने बोला था कि हेलमेट पहन ले, लेकिन राजा जी बल्कि सती जी पर्ची हो सन चर्चे हो पता चल रहा है सही थका हुआ है। ये खिड़की है और इसके बैक साइड पे जो व्यू है भाई, हमारे होटल से आप व्यू देखें जरा बाहर का, वाजी रेस्टोरेंट से यार अगर हम बैठे हैं क्या नहीं होटल पे और कढ़ाई का जॉब पे हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो उमर साहब? भाई मिस कर रहे हैं आपको, आपकी मीरा को। हाँ वापस आ रहे हैं आपको, हाँ मिस कर रहे हैं आपको। ओके अल्लाह हाफिज़।